कांडा की दूरस्थ गांव नरगोली पौसा आदि गांव के ग्रामीणों की चुनाव बहिष्कार की अपील असर दिखाती नजर आ रही है। प्रशासन ने अब सड़क में डामरीकरण का लिखित आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। प्रशासन के आश्वासन के बाद 6 से अधिक ग्राम पंचायतों ने चुनाव बहिष्कार के फैसले को वापस ले लिया है। यहां बता दें कि बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली सड़क में डामरीकरण करने तथा सड़क का अन्य गाँव में भी लिंक किए जाने की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपे गए थे। दो जिलों को जोड़ने वाली इस सड़क की उपेक्षा से नाराज ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। चेतावनी के बाद हरकत में आए प्रशासन ने ग्रामीणों से वार्ता की तथा डामरीकरण करने का आश्वासन दिया। वेरीनाग के तहसीलदार चंद्रपाल सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने बहिष्कार पर अड़े ग्रामीणों से वार्ता की। वार्ता के उपरांत ग्रामीणों ने फिलहाल लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है। आज ग्राम पंचायत कर पोस्तालाव में जो बैठक की गई, इसमें पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, तहसीलदार बिगनाक उपस्थित थे। इन्होंने लिखित में आश्वासन दे दिया गया है कि इस सड़क का चौड़ीकरण, डामरीकरण और जेड बैंड के लिए नया अलाइनमेंट किया जाएगा और पौसा वाली सड़क को बांस में लिंक किया जाएगा। तो इसलिए सभी ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि अब मतदान का बहिष्कार न करके इस पर्व में भाग लेंगे। आज पंचायत में चुनाव बहिष्कार संबंधित एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तहसीलदार महोदय, अधिशासी अभियंता महोदय और तमाम ग्रामीण उस मीटिंग पर पहुंचे। और जो हमारी मीटिंग का उद्देश्य था कि हमारी रोड की स्थिति बहुत खराब है, उसके लिए जनता ने चुनाव बहिष्कार का एक निर्णय लिया था। तो अधिशासी अभियंता महोदय, तहसीलदार महोदय द्वारा लिखित आश्वासन हमें दिया गया कि चुनाव के बाद इन रोडों को की मरम्मत की जाएगी और इसमें जो जेड बैंड है उसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा और जहां पर भी रोड में जो खराबी है उसको ठीक करने का लिखित हमें आश्वासन दिया। इस आश्वासन के मद्देनजर यहाँ की जनता ने जो है चुनाव बहिष्कार को स्थगित करने का निर्णय लिया है। मीटिंग में जो मुख्य मसला है, जो मार्ग है आपका 5 किलोमीटर का, उसका जो डामरीकरण का मामला था, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि इसका डामरीकरण तुरंत कराया जाए। कुछ इस पर सहमति हो गई है कि जो पहले वाले 2 किलोमीटर जिसमें जेड बैंड का कारण है उसको फिलहाल के लिए उसको अभी स्थगित रखा जाए और उसके बाद का जो क्षेत्र है, जितना भाग है रोड का, उसके लिए हम अलग से एक प्रस्ताव भेजेंगे। वो माह मई के आसपास में हम भेज पाएंगे क्योंकि अभी तो तुरंत उसको भेजना संभव नहीं है। वो हमने लिखी थी, आप लिख करके उसको दे दें। पौसा पोस्तला संघर्ष समिति कमचार घाटी ने जो मतदान बहिष्कार के लिए कहा था रोड के संबंध में, उस संबंध में आज यहाँ पर तहसीलदार और पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब के बारे में जो चर्चा हुई थी, उनने गाँव वालों को ये आश्वासन दिया है कि मई के बाद इसमें कार्रवाई होगी और मई के बाद कार्रवाई होने में गांव वाले सस्ते हैं, वो वोट देने के लिए बाजी हो गए हैं। वो जी इस बीच में नहीं होगी रोड की, जैसे डामरीकरण ये बीच में 2-3 साल के अंदर नहीं होगी तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी पूरा बहिष्कार होगा। हम इन साल में लगभग 30 साल से पार्टी में जुड़ा हूँ, मैं खुद बहिष्कार करूँगा इसका। 2027 तक जो रोड का जो डामरीकरण और अलाइनमेंट चेंज नहीं होगा तो हम खुद बहिष्कार करेंगे पूरी जनता के। ग्रामवासियों द्वारा जो चुनाव बहिष्कार के संबंध में ज्ञापन दिया गया था, उसके संबंध में आज पीडब्ल्यूडी के साथ यहाँ वार्ता की गई। पीडब्ल्यूडी के एई साहब ने इसके संबंध में ग्रामीणों को आश्वस्त किया है और इसमें जल्दी ही पत्राचार किया जाएगा। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।